नमस्कार, पूज्यनगरी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे. आता पाहूया ठळक घडामोडी. पूज्यनगरी न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. परंडा तालुक्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी. मौलाना सलमान अझहरी यांच्या अटकेचा परंडा येथील मुस्लिम समाजाकडून निषेध. मौलाना सलमान यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ तहसीलवर मुकमोर्चा. मौलाना सलमान अझहरी यांची सुटका करण्याची निवेदनाद्वारे राष्ट्रपतींकडे मागणी. मोर्चात शेकडो मुस्लिम बांधव सहभागी. देशातील अनेक हिंदू संतांकडून मौलाना सलमान अझहरी यांची सुटका करण्याची मागणी. या बातमीचे प्रायोजक आहेत सूर्या मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल परंडा. परंडा शहरात प्रथमच प्रसूती, सिझेरियन, नवजात बालकांसाठी विशेष सुविधा. स्त्रीरोग, बालरोग, नेत्ररोग, शुगर, कॅन्सरसह सर्व रोगांवर तज्ज्ञ डॉक्टरांमार्फत अल्पदरात उपचार व शस्त्रक्रिया व आयसीयू सुविधा उपलब्ध. 2 अत्याधुनिक एसी ऑपरेशन थिएटर. पत्ता बावची चौक, सोनारी रोड, परंडा. राणा स्टील कडवा कोट्टी मशीन परंडा. सेल्स आणि घरपोच सर्व्हिस सुविधा. पत्ता बायपास रोड, पोलीस कॉलनी समोर, कुर्डवाडी रोड, परंडा. आता बातमी विस्ताराने. मौलाना मुफ्ती सलमान अझहरी यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ परंडा शहरातील मुस्लिम समाजाकडून गुरुवार दिनांक 8 फेब्रुवारी रोजी मंडई पेठ येथून तहसील कार्यालयापर्यंत मुकमोर्चा काढून मौलाना सलमान अझहरी यांची सुटका करण्याची मागणी राष्ट्रपती यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या मोर्चात शहरातील मौलाना व मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते. तहसीलदार परंडा यांच्यामार्फत राष्ट्रपती यांना मागण्यांचं निवेदन यावेळी देण्यात आलंय. राष्ट्रपती यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की मौलाना सलमान अझहरी यांनी कोणत्याही जाती धर्माच्या किंवा देशाच्या विरोधात एकही शब्द बोलले नाही. अल्पसंख्याक समाजावर दबाव टाकण्यासाठी व इतर समाजाच्या लोकांना खुश करण्यासाठी मौलाना सलमान यांना अटक करण्यात आली असून ते बेकायदेशीर असून संपूर्ण देशात असंतोष पसरला आहे. तसेच देशात भाजपाचे आमदार, खासदार व हिंदुत्ववादी संघटनांच्या वतीनं मुस्लिम विरोधात प्रभोक्षक विधाने करीत आहे, मात्र त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही, हे आश्चर्यजनक आहे असं म्हटलं आहे. मौलाना सलमान अझहरी यांच्या अटकेचे पडसाद देशभर पसरले असून हिंदू संत यांनी देखील मौलाना सलमान यांच्या अटकेचा निषेध करून सुटका करावी, अन्यथा हिंदू संत देखील रस्त्यावर उतरतील असा इशारा दिलाय. अय भगवान, अय राम, अय कबीर, अय मंसूर, अय सद्गुरु महाराज, युक्ति को तुरंत रिहा किया जाए. मैं चैलेंज करता हूँ, ये अगर काट दूं रक्त तो लाल निकलेगा. विश्व का कोई भी ये वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है. तो तुरंत रिहा करो, हम मुक्ति के साथ हैं, इसलिए है. यदि यह कानून है तो लोकसभा में जो बयान दिया गया था, रमेश भदुरिया ने कहा था कटुआ शब्द, क्या क्या शब्द कहा था, उनको भी गिरफ्तार करिए. किसान नहीं तो हम लोग भी उसी के साथ रह करके आंदोलन करने का काम करेंगे. मौलाना सलमान अझहरी यांच्या अटकेचा परंडा येथील मौलाना यांच्या वतीने निषेध करून त्यांच्यावरील केस मागे घेण्याची मागणी केली आहे. कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा. आज कुत्तों का दौर है, कल इंशाल्लाह शेरों का दौर आएगा. मौलाना सलमान अझहरी साहब को जो एटीएस ने अटक किया है, मैं और तमाम परंडा के सारे जो है सो मुसलमान उसका निषेध करते हैं. सलमान अझहरी साहब को जो है सो पूरे जितने भी उनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं वो सारे चार्जेस वापस लेकर उनको बाइज्जत बरी किया जाए, हम ये मांग करते हैं. इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना दबाओगे उतना उभरेगा. तो ये हमेशा आज से नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम से लगा के आज तक जितने भी बातिली लोग हैं इस्लाम को दबाने में लगे हुए हैं. और आप गौर कीजिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल मुख्तसर जिंदगी में उन्होंने मशरिक से मगरिब तक इस दावत को आम कर दिया है. जो बातिल ताकतें हैं इस सोच में रह जाती है कि ये हवा की चिंगारी की तरह ये दावत इतनी आम किस तरह से हो जाती है. तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि ना किसी पर जुल्म करो, ना किसी का जुल्म सहो. अगर किसी पर हम जुल्म करते हैं तो हम जालिम कर, लेकिन अगर हम पर कोई जुल्म कर रहा है तो जुल्म मत सहो. इस लिहाज से
मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को हक बात के दबाने के लिए सच्चाई जो इश्क़े नबी का चिराग हमारे नौजवानों के दिलों में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रोशन कर रहे थे उसको दबाने की कोशिश की गई है। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो है सो बेकसूर अंदर किया गया है। सो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि सलमान अजहरी साहब को बाइज्जत रिहा किया जाए और जो है सो हमारे देश में भाईचारे का जो माहौल है उसको कायम रखा जाए। इस नाते से हमारे लिए जरूरी है कि जो भी उन पर जुल्म किया गया है हम इससे उनकी जांच करें और हम अपनी हुकूमत से यह दरख्वास्त करें कि मुफ्ती सलमान अजहरी को बाइज्जत बरी किया जाए। सलमान अजहरी को जो गिरफ्तार किया गया है मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि उन्हें बाइज्जत रिहा किया जाए और बाइज्जत बरी किया जाए। गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि मुफ्ती सलमान साहब को बाइज्जत पूरे गुनाहों से जो है पूरे धर्म से बाइज्जत बरी किया जाए। शुक्रिया। यहाँ हमको हिंदुस्तान में रहना है तो शान से रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? हमारे बाप दादा ने कुर्बानी देगी गुण कमाए, इनके बाप की जागीर नहीं है ये। यहाँ देश के अंदर हमने प्रगति की, तुम्हारे साथ में रहकर तरक्की की, हमने तुम्हारा जो भी अच्छा था हमने लिया, हम अच्छा जो से देख सकते थे वो इस मुल्क को दिया। इस मुल्क को मिसाइल देने वाला मुसलमान था। मागणीचं निवेदन तहसीलदार घनश्याम आडसूळ यांना देण्यात आले। यावेळी मौलाना जफर अली अशफाक काझी, हाफिज शहनवाज रजा, हाफिज गुलाम गौस, मौलाना जफर अली काझी, हाफिज सकलेन सौदागर, हाफिज जुबेर कुरेशी, हाफिज महबूब मौलाना शहबाज अत्तारी, हाफिज जावेद, हाफिज समीर, हाफिज मुस्तफा, ऍडव्होकेट नुरुद्दीन चौधरी, शब्बीर पठाण, हाफिज करपुडे, अब्बास मुजावर, रईस मुजावर, रफीक मुजावर, एजाज मुजावर, गौस काझी, अल्ताफ मुजावर, अजहर शेख, नशीर शाह बर्फीवाले, इरफान शेख, समीर पठाण, एस के दाऊद मुजावर, मुर्तजा सय्यद, गनी हावरे, बाशा शाह बर्फीवाले, रईस डोंगरे, आमिर पठाण, अमजद रत्न पारखे, वसीम तुटके, नवाज दखनी, हुसैन शेख, शोएब पठाण, शौकत पठाण, बाशा शेख, मुजाहिद पठाण, सरफराज कुरेशी, गफार नदाफ, अरबाज मुजावर, गौस मुजावर, अरबाज पठाण, अरबाज विजापुरे यांच्यासह शेकडो मुस्लिम बांधव उपस्थित होते। महत्त्वाच्या घडामोडी पाहण्यासाठी पूज्यनगरी न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।